स्वागत है आपका लाइव जनादेश में। देश कोरोना महामारी के प्रकोप से तो जूझ ही रहा था, अभी उसी से बाहर नहीं निकला। लॉकडाउन लगातार जारी है, दिल्ली में भी जारी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जारी है, महाराष्ट्र के अंदर भी लॉकडाउन लगा हुआ है, गुजरात के अंदर भी लगा हुआ है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था। क्योंकि देश के अंदर वैक्सीनेशन की कमी देखी गई, ऑक्सीजन की कमी देखी गई, हॉस्पिटलों के अंदर बेड की कमी भी देखने को मिली, जिसके बाद फिर लॉकडाउन का फैसला लिया गया। लगातार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन को लेकर के सरकारों को बोल रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब इसी बीच कोरोना तो खत्म हुआ नहीं, एक नया वायरस जन्म ले लेता है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो उसी को जानने के लिए आज हमारे साथ स्काइप के जरिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेडिकल विंग्स के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल क्रांतिकारी, जिनसे हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आखिर है क्या, ब्लैक फंगस आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और ये किन किन लोगों को हो रहा है, क्या बच्चों में भी फैल रहा है या सिर्फ एक एज के लोगों के अंदर फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या? म्यूकोमारकोसिस इसका नाम है। ये म्यूकोमारकोसिस जो डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल डायबिटीज जिसको है, एचआईवी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, या जो कोविड के बाद लंबे समय तक स्टेरॉइड थेरेपी दिया गया हो उसको, किडनी जिसका ट्रांसप्लांट हुआ हो और कैंसर की दवाई चल रहा हो, कोविड मरीज को जिसको लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा हो, या ऑक्सीजन का जिसका बहुत दिन तक उपयोग हुआ हो, ऑक्सीजन लगा के रखा गया हो, वैसे पेशेंट को ये म्यूकोमारकोसिस जो है ब्लैक फंगस चपेट में ले रहा है। तो इसका लक्षण जो शुरू में है वो है नाक बंद हो जाना, चेहरे में एक तरफ दर्द, सूजन, दांत जैसे हिलने लगता है, वाइटल अल्सरेशन हो जा रहा है और वाइटल पेन हो रहा है। अच्छा, और स्किन पे ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन, दाग हो, डिप्लोपिया हो रहा है, माने डिप्लोपिया डबल विजन एंड फीवर, ये इसका शुरुआती लक्षण है। और जैसे बलगम बार बार आता है जिस पेशेंट को, उस बलगम में खून भी आता है, खून भी आ जाता है, उसी को जाना जा रहा है, ये पेशेंट के शुरुआती लक्षण है, यही इसका लक्षण है। बाद में क्या होता है, चढ़ने लगता है स्किन, जहां वो इफेक्टिव हो वहां चला देगा, आंख में लालपन आ जाता है, रेडनेस ऑफ आई, दर्द और सूजन, और आंखों से दिखना कम हो जाता है किसी किसी पेशेंट को। तो ये इसका शुरुआती लक्षण है। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है फिर? बचाव करने के लिए आप पहले जैसे ही इसका कुछ भी इफेक्ट दिखे तो आप डॉक्टर से तुरंत, स्पेशल सर्जन, ऑर्थोमोलॉजिस्ट, ईएनटी, या जो है जो आपके नजदीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें, तुरंत लें। तो ये मतलब जो कोरोना से जो पॉजिटिव होने के बाद में जो लड़ाई जीते हैं कोरोना से, ठीक हो पाए हैं, रिकवर हो पाए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ज्यादातर ये समस्या देखी जा रही है। मैं एक चीज जो बताया आपको कि ये लंबे समय तक जो स्टेरॉइड थेरेपी लोग, उसको जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है उसको, अनकंट्रोल डायबिटीज जिसको है उसको जल्दी चपेट में लेता है। इसका सीटी पीएनएस कराएंगे, अगर हम सीटी स्कैन कराएंगे तो म्यूकोजल थिकेनिंग नजर आएगा, बोनी इरोजन नजर आएगा, एस्कोमेटेड बोन नजर आएगा, फील्ड फ्लूड फील्ड साइनस, साइनस में लिक्विड भरा हुआ सा नजर आने लगेगा अगर इसका सीटी थे तो, पीएनएस व्यू में। ये एक्सरे एक्सरे आदि जो अभी हाल ही में ऑक्सीजन लगी है जिन लोगों को, या आईसीयू में रहा हो, या पुराना जो कोई लंबे समय, पेशेंट है सर, उसके अंदर भी देखा जा रहा है, पुराने हाँ जी है, पेशेंटों के अंदर भी देखा जा रहा है जो अभी हाल ही में आईसीयू या ऑक्सीजन से हटे हैं उनके अंदर ये नजर आ उससे रहा है। भी है, और जो पुराने जैसे लीवर जिसका ट्रांसप्लांट हुआ, जिसका इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गया है,
उसको भी चपेट में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो कोरोना से लड़ाई जीत करके जो रिकवर हुए वो उसके बाद भी सेफ नहीं है। सेफेस्ट मोड इसलिए नहीं है कि लंबे समय तक वो पे यूज हो चुका है जो चीज, उसके बाद ये इफेक्ट में ले रहा है, तो आपको उसको तुरंत ही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। एस्ट्रोवेट थेरेपी रोकना पड़ेगा, आपको शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो भी इम्यूनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट है उसे भी दिया जाएगा, ऐसे करते ही का ट्रीटमेंट प्रोसीजर। तो सर आप अपनी तरफ से व्यूअर्स को क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरह से कोरोना से लड़े, किस तरह से बच के रहें, तो क्या सुझाव देना चाहिए? कोरोना से लड़ने के लिए तो आपको पहले ही कहा गया है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गले और आंख को बार बार नहीं टच करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। लेकिन इसका जो है स्टेज अप्रोच वो डायग्नोसिस ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, जो ग्लाइसेमिक पेशेंट है उसको कंट्रोल, ग्लोबिन अगर अप्रोच देना है तो उसको देंगे, एडमिट करेंगे, जुडिशियस स्टेरॉइड एंड टोकिलिज़ुमैब स्टेरॉइड थेरेपी को कम करेंगे, ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, ब्लड शुगर को मेंटेन करेंगे, हाइजीन मेंटेन और ओटू डिलीवरी सिस्टम कैसा है, ऑक्सीजन का डिलीवरी सिस्टम उसको देखें और ओरल हाइजीन मेंटेन में प्रॉपर ब्रशिंग, मुंह की अच्छे से सफाई। अच्छा, इसमें भी ENT ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मैगिलोफेशियल सर्जन से अप्रोच करेंगे, नेजल स्लाइन स्प्रे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ एम्फोटेरिन बी जेल इंट्रा नेजल फॉर हाई रिस्क प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जनरली ये सब हम बताए वो मेडिकल टर्म में बताया कि इस तरह का यूज करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये है कि आप अच्छे से मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन, यूज ऑफ 2% कोविडीन आयोडीन गार्गल, स्टीम इनहेलेशन में स्टीम से अपने उसमें ये करेंगे, भाप लेंगे जो बार बार बोला जाए, स्टीम इनहेलेशन लें, सीआरई फंक्शन इंप्रूव करने के लिए, साइनस हेल्थ को ठीक करने के लिए यूज ऑफ 0.5% बेटाडीन नेजल इरिगेशन, पेशेंट एजुकेशन रिगार्डिंग अर्ली सिम्टम एंड साइन, मैं पहले ही बताया हूँ कि जैसे ही कोई ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत ही टेली मेडिकेशन से अपने नजदीकी डॉक्टर से कॉल करें कि आपको कंट्रोल हो, जल्द से इन्फेक्शन को करें, स्ट्रिक्टली ग्लाइसेमिक कंट्रोल, जो आपका ग्लाइसेमिया है उसको कंट्रोल करना है, और ज्यादा ये है तो आपको मैं विटामिन के बारे में बताया 2-3, विटामिन ए, विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई का 1000 IU यूज करना है, टैबलेट विटामिन ए का 6000 IU यूज करना है और बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट साथ में लें, हाई प्रोटीन लो शुगर डाइट के साथ, हाई प्रोटीन लो शुगर डाइट, इस तरह से इसको हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लेते हैं, इसको हम लोग सेफ्टी मोड में ले जा सकते हैं पेशेंट को ऐसे ट्रीटमेंट देंगे। एंटी फंगल थेरेपी भी देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सेकेंड में एंटी फंगल थेरेपी देते हैं, जैसे इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में एंटी फंगल आता है, आइसोवीट कोनाजोल और आता है कोसा कोनाजोल, ये सब टैबलेट है इसके में है, हम लोग इसको एम्फोटेरिन बी थेरेपी आता है उसका, वो इंजेक्शन फॉर्म में लाइपोसोमल एम्फोटेरिन B1 इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, एंटी फंगल जो यूज होता है, और एक 2-4 चीज मैंने बताया था कि जहाँ न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां ना जाएं, अपने मुंह का नाक आंख को टच ना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, जैसे ही शुरुआती लक्षण कुछ भी ब्लड फंगस का दिखे
टेली कंसल्टेशन या अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन मैक्सिलोफेशियल ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें, जो सर्जन से भी कर सकते हैं, कंसल्ट करके इसको आप जल्द से जल्द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मोड में लाकर आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम चीजें बहुत ही अच्छे से लोगों को सामने रखी। आशा करता हूँ लोगों की समझ में आया होगा, खुद को बचा कर रखेंगे कोरोना वायरस से भी, तमाम बीमारियों से भी, और घरों में रहेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार भी लोगों को समझा रही है, प्रशासन भी लगातार समझा रहा है, हालांकि कुछ लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, हमें ऐसा उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो जाएगी अगर लोग नहीं मानेंगे, उसको संभाल पाना मुश्किल होगा। फिलहाल सर यहाँ तक इस करते हैं, टॉपिक को खत्म, फिर अगले किसी टॉपिक पे आपको जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सर।